मुझे मतलब जिसमें गलती कौन से में बताई ये थी? जो मैंने हाँ, मेन्यू ड्रिवन वाला करना था हाँ, एक। तो मैंने ड्रिवन बनाया ही नहीं, तुम लोगों ने सीधा सीधा लिख नहीं दिया। नहीं लास्ट में तो फिर बना के भेज दे तब। हाँ, वो ठीक था फिर, बता तो दिया था तभी मैंने कि इसमें ये गड़बड़ है नहीं ना। तो बता बस ठीक दे। है, ओके। चलो एक और फंक्शन, एक और टाइप ऑफ फंक्शन बचा है, वो बता देते हैं, फिर ऑपरेटर प्रेफरेंसेस की बात करेंगे। देखो, ऑपरेटर हमने पढ़ रखा। अब एक चीज पहले हम ऑपरेटर ही देख लेते हैं, वो बेटर रहेगा आपको। ऑपरेटर वैसे हमने पढ़ रखे हैं, राइट? ठीक है। अब ऑपरेटर में हमने क्या क्या पढ़ा है? अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और बिट वाइज हमारा ऑपरेटर रहता है। बस एक कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर हमारे पास है, वो है बिट वाइज ऑपरेटर। बाकी सारे ऑपरेटर हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है? एडिशन, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिट वाइज ऑपरेटर, आपका ये वाला पार्ट रहता है। बता देते हैं पहले, इसमें आता है दिस, ठीक है? फिर आता है ये, फिर ये और एंड सिंगल और, ये हैं ऑपरेटर। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड और, ठीक है? इतना समझ में आता है? ये पर बिट्स पे काम करते हैं। बिट्स पे मतलब, जैसे अगर आपके पास एक नंबर आप रख रहे हो इंट ए, उसकी वैल्यू आपने 4 रखी है, तो ये 4 के हिसाब से काम करेंगे। अगर नंबर आपका 4 है, तो 4 को पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता है एक नंबर को, आपके यूनिट सिलेबस में है, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 रिमाइंडर 0, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 रिमाइंडर 0, यहाँ 1 आ गया, फिर डिवाइड करोगे 2, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 हो गया। अब प्रिंट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? अगर इस नंबर को आप नंबर सिस्टम के, हेलो आवाज आ रही है ना मेरी? अगर एक नंबर सिस्टम के हिसाब से आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ये कुछ ऐसे स्टोर होता है ना? बाकी भी 8 0 और होंगे, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, तो ऐसे 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 स्टोर होगा मेमोरी में। रिंग एक वाला कैसा क्या क्या है वो निकाला जाता वैल्यूज बाइनरी आपको, वाली? आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है? नहीं आया क्यों, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। खैर कोई बात नहीं, आप था मैं छुट्टी पे था। कोई बात नहीं, आपका नंबर जो है उसे आप 4, जो भी नंबर है ना उसे 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर इधर लिख दो, ये रिमाइंडर है। 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, और क्वेश्चन जो है वो इधर आ जाएगा। फिर 2 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 1, फिर 2 को 1 को डिवाइड करो, 1 आएगा 0। तो यहाँ पे तो 0101 ही आ सकता है, जो भी आएगा 0 या 1, और यहाँ पे आपका डिवाइड होके जो नंबर आएगा वो आएगा। तो इसे आप रिवर्स में लिख दो, 1 0 0, सही है? आ गया समझ में? नहीं आया? सेम आ गया। है ना? तो अब इस सिस्टम के ऊपर होती है कैलकुलेशन, जो भी होती है। मान लो आपके पास 2 नंबर मैं दे देता हूं, पहले से लिख लो जो है, कैसे आप करोगे। आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप इन ऑपरेशंस को समझ पाओगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा वो, ठीक है? 0000 क्या बताया था दोबारा? एक इंटीजर जो है वो कितनी बाइट्स का होता है, उसका साइज क्या होता है बता? 8 बिट। 16 बिट, ठीक है? 2 बाइट्स का होता है ना आपका, तो
तो इसलिए आपने 16 जीरो लिखे हैं। हर जीरो एक जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से इंटीजर की रेंज बन गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लिया। ये लेफ्ट साइड होगा, ये लेफ्ट है, यहाँ ना उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट लिख देना, सर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट, और ये राइट शिफ्ट, उल्टा लिखा हुआ। बस ये याद रखना, जिस तरफ को एक चौंच होगी ना इसकी, उस तरफ को शिफ्ट करेगा, तो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो वो नाम सही कर लेना। अब देखो इसे थोड़ा सा और, अगर आपको क्वेश्चन में कोई कहे कि आपके पास एक नंबर है, कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं पहले दिस ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं सर, क्योंकि ये सारे ही बिटवाइज हैं, तो बिटवाइज की ही बात हो रही है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत आसान तरीका है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालने। अगर वैल्यू टू है तो आप इससे इसका फॉर्मूला क्या है कि n प्लस वन करो और उसे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, तो बेसिकली माइनस थ्री आंसर आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। कोई भी नंबर आपको दिया हो और उसका आपको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप ये वैल्यू निकाल के रख सकते हो। कैसे निकलेगी वैल्यू, अब आप प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंट डी, और यहाँ पे ऐसे ए लिख दो, तो क्या होगा इसका, एक बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकाल के माइनस थ्री आंसर दे देगा। पर अगर कोई आपसे आउटपुट में आ जाए, मान लो कोई वैल्यू लिखी हुई है इंट ए इज इक्वल टू 14, और ऐसे सिर्फ एक लाइन लिख दी प्रिंट, तो माइनस 15 आंसर। इसमें बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया बिटवाइज ऑपरेटर, लिख लो। इसमें आपको कोई कन्वर्जन भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप पहले कन्वर्ट करोगे फिर दिमाग लगाओगे। इतने में कोई डाउट है तो बताओ। लिख लिया, ओके। दूसरा हमारे पास आता है कौन सा, शिफ्ट लेफ्ट। पहले इन्हें देख लेते हैं, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट। इसका तरीका क्या होता है पहले वो समझाता हूं, फिर शॉर्टकट बताता हूं। अगर मैंने नंबर दिया 4, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या था, अभी हमने निकाला था 100, ये था ना, तो ये क्या करेगा, ये सब एक एक शिफ्ट कर देगा लेफ्ट साइड में, सारे बिट्स एक एक शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 100 है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी। हाँ क्या कह रहे हो, 100 से पहले जीरो लगा दी, हाँ एक और जीरो आ जाएगा इधर, ये जगह तो खाली है, तो खाली जगह शिफ्ट होकर जीरो ही आएगा, और ये सारे एक एक शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये होता है। सही है, ये बात समझ में आई, करेंगे क्या इधर, और कोई नंबर भी देख लेते हैं। अगर ए की वैल्यू तो 12 है, तो पहले इसका बाइनरी कन्वर्जन आप निकालो, बाइनरी कन्वर्जन इसका क्या होगा, लिखो 12, 2 रिमाइंडर 0, यहाँ 6 आ गया, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, यहाँ 3 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, यहाँ
वन आ गया, फिर टू से डिवाइड करोगे वन रिमाइंडर जीरो आ गया, ऐसे ही होगा। तो ये आपका कौन सा नंबर है, 12 नंबर है। अब अगर इसे आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो सारे ये दोनों इधर को खिसक जाएंगे और दो जीरो इधर आ जाएंगे, तो वन वन जीरो जीरो, एक और जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि वन बिट आपने शिफ्ट किया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये है नंबर 24 और ये है नंबर 8। तो ये जो 12 तो ये था, 12 पे जब आपने लेफ्ट शिफ्ट लगा दिया तो जो ये नया नंबर बना ये 24 है। कैसे चला, इसे कन्वर्ट करके देखोगे आप और कैसे पता चला, क्योंकि मुझे तो पता है आपको नहीं पता है, आप इसे कन्वर्ट करो नंबर्स में तो आपको पता चल जाएगा। नंबर पता है कैसे कन्वर्ट, अच्छा तुम्हें तो नहीं पता, डेसिमल टू बाइनरी तो ये रहा, और बाइनरी टू डेसिमल अगर आपको करना है, बाइनरी टू डेसिमल, तो आपके पास तरीका क्या होता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसे लिखो वन वन जीरो जीरो जीरो, कितनी इनकी पोजीशन क्या है, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री और टू की पावर फोर, कैलकुलेट कर लो, इतना कैलकुलेट कर लो। टू की पावर थ्री कितनी है, एट होती है, और एट की पावर टू कितना होता है, सिक्सटीन, इन्हें जोड़ दो कितना हो गया, हो गया ना 24। तो ये तरीका होता है एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, कि आप टू की पावर लगा लो, जहां जीरो है वो तो जीरो ही हो जाएगा, जहां वन है वन से मल्टीप्लाई कर देना। आगे शिफ्ट लेफ्ट करना है, हाँ हाँ दो बार ही करना है बस। मैंने तो एक ही बार किया है, दो बार नहीं, नहीं मतलब जैसे वो 1100 लिखा था उसमें वन वन को भी करा, वन और सबको वन को किया, करा भी। सारी बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, आप ऐसे समझो ना, आपके पास 1100 लिखा हुआ है, मान लो ये है आपके पास एक बॉक्स, इसमें वन एक जगह हमेशा खाली मानो, वन वन ऐसे लिखा हुआ, वन वन जीरो जीरो, ठीक है। अब इन सबको आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे, ये तो नंबर है आपका, लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये इधर कर दो, तो नया नंबर क्या बन जाएगा, वन इधर आ गया, वन इधर आ गया, शिफ्ट कर दिया आपने दोनों को, ये वाला जीरो इधर कर दिया, सब ऐसे ऐसे हो रहे हैं, फिर ये वाला जीरो भी इधर कर दिया। अभी एक जगह बढ़ जाती है जब लेफ्ट शिफ्ट करते हो, तो एक जगह लेफ्ट शिफ्ट के बाद एक जगह बढ़ेगा ही पड़ेगा, अब यहाँ पे एक जीरो और आ गया, जो जगह खाली होती है वहां पे इस जगह खाली जगह से आ जाता है, तो वहां जीरो होता है, जीरो भर देते हैं, अब ये बन जाएगा ये, तो इसलिए ये बन गया, समझ में आया। इतना समझ में आ गया सबको, ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपके नंबर को डबल कर देता है, ट्वाइस कर देता है, ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी नंबर है उसे डबल कर रहा है, देख लो 4 है तो 8 हो गया, 12 है तो 24 हो गया। तो शॉर्टकट आउटपुट निकालने के लिए क्या है, कि अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एक नंबर दिया हुआ है x जिसकी वैल्यू 5 है और आपने एक वैल्यू ली y जिसमें आपने शिफ्ट कर दिया x शिफ्ट 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 का डबल कर दो, कर दो n, तो बता क्यों नहीं रहे थे, तो 10 वैल्यू आ जाएगी y की, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया, x शिफ्ट 2 लिखा होता तो दो बार डबल करना, मतलब 10 का करना था 5 का, फिर भाई 5 का ही करोगे, पहले 5 है, अगर 2 लिखा है वही बता रहा था, इसके बाद y, अब क्या होगा, पहले x का डबल करो, x का डबल करोगे तो वो 10 हो जाएगा, फिर 10 का डबल करोगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 आंसर आएगा। तो जितनी बार लिखा है उतनी बार आपको हर नंबर डबल करते जाना है, समझ में आ गया। लिख लीजिए, पर अगर पेपर में आएगा तो आप ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, मतलब अगर आपको वैल्यू ही पूछता है
तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता देना, पर अगर पेपर में एक्सप्लेन करने को आता है कि भाई बिटवाइज ऑपरेटर है क्या, तब आप क्या करोगे, तब आप ये डायग्राम बना के दिखाओगे कि अगर ए की वैल्यू 4 है और वो बिट्स में स्टोर हो रही है और आप उस पर लेफ्ट शिफ्ट डिफाइन करते हो तो सारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, इस वजह से ये 8 हो जाएगा। तो वो एक्सप्लेनेशन होगा इसका, ये नहीं ये डबल कर देगा, ऐसे मत लिखना। हाँ अगर पेपर में आता है एज ए क्वेश्चन कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तब फट से लिख सकते हो आप। इतना समझ में आ गया, लिख लो, कोई डाउट है तो पूछो भाई। जब लिख लोगे मुझे बता दीजिएगा। कोमल समझ में आया? यस सर, ननीशा यस सर, गुड मॉर्निंग। नीचे करना वेरी गुड, कर लिया। अब ऐसे ही राइट शिफ्ट होता है, राइट सॉरी, जैसे यहाँ पे सारे के सारे लेफ्ट शिफ्ट हुए, राइट शिफ्ट में सारे एक तरफ एक बिट इधर खिसक जाएंगे, ठीक है? सेम लॉजिक है, राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो वो हाफ हो जाते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, लॉजिक सेम है, कर दो जल्दी से। ऐसे छोटा सा ही है, ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ए की वैल्यू अगर 4 है, 4 है तो क्या बनता नंबर 1 0 0। अब आप राइट शिफ्ट कर दो इधर को तो क्या रह जाएगा नंबर, यहाँ 0 डाल दो, 1 इधर आ गया, फिर 0। बेसिकली आप ये समझो ये हो गया, तो ये क्या होता है, ये होता है 2। ये हो गया आपका राइट शिफ्ट। ठीक है, सारे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का क्या था, 1 1 0 0, इन्हें अब राइट में शिफ्ट करोगे तो 1 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज योर 6। यूज आप वैसे ही करोगे, खत्म। कोई डाउट है तो पूछो। सेम लॉजिक, अगर 2 बार करोगे, मान लो आपका नंबर होता a is equal to 240,
और आप लिखते ए राइट शिफ्ट ऑफ टू, तो एक्स में क्या वैल्यू आती? तो पहले 240 का हाफ कर दो, कितना होगा? 120, फिर 120 का हाफ कर दो 60, तो 60 आंसर आ जाता, ठीक है? लॉजिक सेम है, देख लो राइट शिफ्ट। इसमें लेफ्ट का सिंबल नहीं है? लेफ्ट का तो अलग था ना, मतलब ये जो है, ओहो नीचे नीचे तो मैंने उल्टा लगा दिया, सॉरी सॉरी, नीचे अब सही लगा दीजिएगा, यहाँ उल्टा लगा दिया है, ऊपर अलग लिखा हुआ है, यहाँ अलग लिखा हुआ है, सेम फॉर दिस, लेफ्ट में ही हो जाएगा वरना, ठीक है? लिख लिया? एनी डाउट? ओके गुड गुड गुड। अब बिट वाइज एंड और देख लो, बिट वाइज एंड और ठीक है, और एक्सोर। अब एंड का काम क्या होता है ये हमें पता है, पर हम वैल्यूज रख लेंगे कुछ, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 5 और बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 और हम एक सी वेरिएबल लेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू कांट से के मतलब इसका शॉर्टकट क्या है, तो ए एंड बी सी इज, फिर आप दूसरे केस में इसमें आपकी सी की वैल्यू पूछेंगे, फिर सी इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा होता ए और बी, ठीक है पहले एंड और ही देख लेते हैं, तो पहले हमें नंबर तो पता ही है इनका बाइनरी कन्वर्जन, तो बाइनरी कन्वर्जन सीधा लिख लो 101100, ये होता है 4, ये होता है 5, ये है 5 का नंबर रिप्रेजेंटेशन, ये है 4 का। अब अगर आप एंड लगाते हो, एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो 100000 दोनों 1 है, 1 यहां पे भी है, 1 यहां पे भी है, तो आंसर 1 आएगा, तो इस केस में आंसर क्या हो गया 100 जो लिखा हुआ है, ये है 4, तो आप आंसर में 4 लिख सकते हो, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है? जब आप सिंगल और लगाते हो, सिंगल एंड के केस में बताया मैंने ये, सिंगल और आप लगाओगे तब क्या करेगा, सेम कॉन्सेप्ट 101100, सिंगल और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी ट्रू है, दोनों में से अगर कोई भी एक पार्ट ट्रू है तो ट्रू होगा, तो 101 आंसर हो गया, ये और है, हाँ ये मत सोचना क्या, तो आंसर हो गया 101, तो दैट इज योर सी इज इक्वल टू 5, पर एक्सोर जो है ये दोनों में से एक के ट्रू होने पे ही ट्रू देता है, दोनों के ट्रू होने पे ट्रू नहीं देगा, ठीक है? मतलब सी इज इक्वल टू ए बी, तो इस केस में 101100, क्या इन दोनों में से कोई एक ट्रू है? यस, तो 100 दोनों ट्रू हैं तब भी ये जीरो देता है, एक ट्रू होना चाहिए, मैं बता कह रहा हूँ, वो सुना कि जब दोनों ट्रू हैं तब भी वो जीरो ही देगा, जब इसका मतलब है कि सारी कंडीशन अगर ट्रू हैं तो भी जीरो, सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो भी जीरो, जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तब ट्रू देगा, तो इसलिए आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू 1, ठीक है? आगे समझ में नहीं आया? हाँ। अब इन डायग्राम को लिख लो, लिख लीजिए खत्म,
हो गया, कितना इजी है। बस आपको ये डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके कोर्स में है। क्योंकि अगर कोई नंबर दे देंगे और फिर लगाएंगे तो वो हो जाएगा। गुड। या गुड, अब आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है। मेन लॉजिक क्या होता है कि आपके पास एक टेबल है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो कहाँ से याद होगा, है ना। ऑपरेटर, ऑपरेटर किस ऑर्डर में आप लगा रहे हो वो उसकी प्रेसिडेंस है। ठीक है, और साथ में आप लिख दो प्रेफरेंस के हिसाब से ही आप लगाओगे। तो सबसे पहले हमारे बिटवाइज ऑपरेटर ही आते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में भी नॉट आता है, तो दिस इज योर बिटवाइज। नहीं नॉट नहीं सॉरी 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 सॉरी, बिट वाइज नॉट कुछ नहीं होता ये, दिस इज लाइक दिस। और ठीक है, अभी देखो आपके धीरे धीरे अब प्रेफरेंसेस आएंगे। ओप्स वेट, अच्छा मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ठीक,